ओम क्षितिजल पावकम गगनम समीरम श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकम गगनम समीरम श्री निरंजनम देवायो नमो नमः। करगस सम दुर्जन भजन रह संत जन टार, बिजुली पड़ी समुद्र में कहाँ सके गिजार। संतन छोड़ संतई कोटिक मिलय संत, मलयागिरी विष व्याप्त नहीं लपटत रह भुजान। बूंदय गाधा सहई गिरि कैसे अखल कई बचन संत सहज से। संत हृदय नव नीत समान आ कहीं कभी न पर कहीं न जाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत की परिभाषा, संत की परिभाषा क्या है? कहते हैं यह संसार में संत कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं संत वही है कि बूंदा अगाधा सहई गिरि कैसे अखल कई बचन संत सहज से। कि जैसे बूंद अगाध बड़ी बड़ी जब बूंदा पड़ता है पर्वत पर टप 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 धरती पर, उसी तरह संत के जो मान रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं, जो सम्मान कर रहे हैं, उस संत के लिए सब बराबर है। कहीं सत्य प्रिया अवचन विचारी अजागत सोवत शरण तुम्हारी। वो हरदम सत्य बोलते हैं वचन विचार और उन्हीं के उसी तत्व में जागते और सोते हैं, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में रहते हैं और सत्य वचन कहते हैं। संत की यही परिभाषा है। कहा था मैं कि संत जो होते हैं वो चंद्रमा के समान शीतल होते हैं, सहनशीलता करुणा दया क्षमा उनमें रहता है। कहला कहीं सत्य प्रिया बचन विचारी आ दुख सुख सारी सा प्रशंसा है गारी। यही संत का लक्षण कि दुख सुख सरिस मानल आ प्रशंसा या गारी। क्योंकि यह शरीर का शोभा है कि दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। आ प्रशंसा अगारी दोनों शरीर ही का मिलता है, तो दोनों में संत सहते हैं। कहना दुख सुख सरी से प्रशंसा गारी वह दुख सुख सरी से मानते हैं। कहना दुख हरस न सुख हरसाई जड़ दुख बेलखाई दो समेरा धरई मन माही। कहना सुख हर्षित जौन जड़ होते हैं अज्ञानी लोग होते हैं सुख में हर्षित होते हैं आ दुख में बिलखते हैं। कहना संत दो सम धीर धरय मन माय और संत जो होते हैं दोनों के समान धैर्य धरते हैं। जैसे एक संत थे नाय में सब लोग बैठे थे और उसी में संत भी बैठे। जब बीच धारा में गया नाय तो पानी लेने लगा, जब पानी लेने लगा तो जनता अब इधर से उधर जा रही है, तो जब उधर जा रही तो उधर खाल हो जा रहा है, नाय करवट हो रही है तो उधर। अब हे दीह बाबा, हे काली माई, हे राम, हे हनुमान, हे भोलेनाथ, हे महेश्वर, अब अनेक प्रकार के जिनके जौन इष्ट थे, जिनको जौन मानते थे, सब अपना पुकारने लगे। आ बाबा अपना ध्यान बंद करके और नदिया में से पनिया निकाल कर नाई में फिन डालने लगे।
कहला ये देखिए इस मूर्ख का कि बताइए यार ये बड़ा पागल इसमें बीच में बैठ गया, इसी को ढकेल दीजिए, यह नाग पानी ले रही है, इसके बाद यह पानी डाल रहा है। सत्यनाम 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 कह के आ लोटा का पानी भर के कमंडल से नाय में बोझ है। सब कहना ये देखो पगला गया है, बताइए हर नाय पानी ले रही है और ये डाल रहा है। अब वही पीठ पर दो चार लोग मारने लगे, पीठ पर उनको ढकेल दे, ढकेल दो यह महात्मा जो है बहुत नालायक है, एक को नाय पानी ले रही है, एक और पानी डाल रहा है, बहुत नालायक है। उसके बाद डारते डारते तौलग नाय बहरा गई, जब आगे निकल गई तब बाबा सतनाम सतनाम कह के और नाई में से निकाल के बाहर फेंकने लगे। जब नाय तनिक डारे गया तो वो हम महात्मा जी कमंडल से नाय में से पानी निकाल करके बाहर डालने लगे। तो जब नेदम डाड़े चल गया या नेत्र खोले कहे तो वहाँ के जितने लोग नाय में बैठे यात्री थे कहे बड़ा बेवकूफ़ है आप, साधु हैं कि क्या है आपको, तो दया नाम की चीज़ नहीं है, इसे पौरने आता है तभी यह काम कर रहा है कि सब लोग डूब करके मर जाएं, इसी में इसको खुशहाली है। तो साधु बाबा आप तो बहुत बेतमीज प्रकार के इंसान हैं कि जब नाय पानी ले रहे थे तो तुम और बोझ रहे थे, आज जब नाय निकल गए थे इसमें से फिर डाल रहे थे। तो कहे संत जी कि हम हरि के इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे थे। हम कहे कि हरि की अगर इच्छा होगी तो अगर वो डूबना चाहते हैं तो उसमें इच्छा मिला करके चलना चाहिए, तो उनकी हम जानते थे कि इच्छा है तो उसमें अपना भी इच्छा मिलाना चाहिए। आज जब सोचे हैं कि वह इच्छा नहीं हरि का तो हम निकाल रहे हैं, तो संत जो होते हैं वो हरि के इच्छा में साहेब के इच्छा में अपना काम करते हैं। तो कहला संत हृदय नव नीत समाना आ कहीं कभी ना पर कहीं न जाना। अगर उस नाय में संत न होते तो जर मरता संसार इस संसार में, अगर इस संसार में संत न होते जर मरता संसार, उसी तरह उस नाय में अगर संत न होते तो नाय जरूर डूबती। तो संत कोई एक वेशभूषा वाला नहीं होता है, संत आपके गांव घर में आपके घर ही में होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसी से घर चलता है, वह एक व्यक्ति अगर निकल जाता है घर छोड़ करके तो घर बर्बाद हो जाता। संत कोई मंदिर मस्जिद में नहीं रहते, संत आपके घर में भी हैं, आपके परिवार में भी हैं, आपके गांव में भी हैं। संत कौन है कि जिसके अंदर क्षमा करुणा शील दया प्रेम यही जिसके अंदर है वही संत है। तो हे साहब हम आपसे कहते हैं कि राम दो हैं, हमको कबीर के राम को मानना है। कबीर के राम कौन थे? कबीर के राम या शशिय के राम कहें, कबीर के राम यह हैं। आ इस पखंडिन के राम कौन है? इस पखंडिन का राम वह हैं जो खीरी से अवतार लिए हैं। इस पखंडिन का राम वही हैं जो नाक से निकले हैं। इस पखंडी का अवतार भगवान वही हैं कि जो मैल से निकले हैं। इस पखंडिन का अवतार वही हैं भगवान वही हैं, मगर हम लोग के भगवान कबीर के भगवान राम कौन हैं? कबीर भी राम राम कहते हैं और यह संसार भी राम राम कहता है, तो हम लोग किस राम को मानना है कि तत्वदर्शी राम को। कल राम ही जन्म परे परमातम आ राम के नाही पिता महतारी आ राम नहीं कहीं आवत जावत राम नहीं कहीं है देहधारी। हमको कबीर के राम को मानना है, तो कबीर के राम कौन है कि जो रमने वाला सब में रम रहा वही है। आ इस पखंडिन का राम कौन है कि जो बाहर मूर्ति में बनाया गया है, जो बाहर में आडंबर बनाया गया वह राम है। अगर तत्वदर्शी राम को जान लेते तो समझ जाते कि मैं बसूं चाम के धाम हमें कोई का जाने, चमवे गावे चमवे पुए चमवे कर रसोई आ चमवे चाम के परोस जवावे चमवे कर से होई हमें कोई क्या जाने, हम बसें चाम के धाम हमें कोई का जाने। जो सब में रमने वाला वही राम है,
गोस्वामी जी भी यह बात लिखे कि सिया राम माया सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम महि जान, बंदे सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। मंदिर में भी राम, मस्जिद में भी राम, सब में राम है। जड़ चेतन, जड़ माने अज्ञानी, चेतन माने ज्ञानी, दोनों में राम है। मगर जब हम इस राम को, तत्व वाले राम को जान जाएंगे तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मगर हम तत्व वाले राम को जानना नहीं चाहते हैं। हम काल्पनिक राम अवतारवाद में फंसे हुए हैं। अवतारवाद वाले राम आपको अंधकार में ही ले जाएंगे। कितने लोग अंधकार में चले गए जो अवतारवाद के राम को मानते हैं। कोई राम अवतार नहीं लिया था, कोई भगवान अवतार नहीं लिया था। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी हैं, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। हम माने होता है रावण, आप माने राम। हम माने होता हिंदू, आप माने होता है मुसलमान। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप। मगर जो अवतारवाद बना करके समाज के ऊपर थोपा गया वही काल वाले राम हैं। आ उसी में समाज खोज रहा है तो इसमें शांति मिलने वाली नहीं है। राम जो सब में रमने वाला है वह गोस्वामी जी रामचरितमानस में दोनों बात लिखी गई है। हर ग्रंथ में दो प्रकार की बात लिखी गई है और उसमें से कौन सही है कौन गलत है आप विवेक रूपी कसौटी पर जो सही है उसे ले लीजिए, गलत है छोड़ दीजिए। अब मनु ब्रह्मा जी जब छींके तो मनु शत्रुपा नाक से दोनों नाक से गिरे। जब ब्रह्मा छींके तब मनु और शत्रुपा दोनों जने नाक से गिरे। उसके बाद उनके बाँह से छतरी पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए, जांघ से वैश्य पैदा हुए, पांव से शूद्र पैदा हुए, धरती में से सीता जी पैदा हो गई। ये सब अनर्गल बात है, इसमें आपको शांति नहीं मिलेगी। ये भी रामायण में लिखा गया है, ये भी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला लिखा गया है। मगर उसमें से हमें सत्य लेना। कुरान में भी यही बात लिखी गई है, जो रामायण में लिखा गया वही कुरान में, वही बाइबिल। सारे धर्म चमत्कार पर खड़े हैं। आ चमत्कार क्या होता है? ढोंग पाखन। जब चमत्कार हटा देंगे तो मानव मानव एक समान हो जाएंगे। मगर यह संसार चमत्कार में जा रहा है, पाखंड में जा रहा है। कबीर कहते हैं कि मन मक्का दिल द्वारिका काया का सीजान, आ दसई द्वार के देहराता में तत्व छिपान। मन में मक्का है, दिल में द्वारिका है, मगर ये सब द्वारिका कहीं और जा रहे हैं। मक्का मदीना कौन है और जा रहे हैं। काया ही काशी है, मगर ये काशी बनारस जा रहे हैं। ये सब अवतार बाद में फंसे हैं। कहें अपो दीपो भव, अपने तत्व में खोजो, अपने में खोजो। कबीर साहब कहें कि रमि रह रमता राम कोठरिया सारे चाम की बनी। जो सब में रमने वाला है वही राम है। मगर जब हम खोज रहे हैं तो सहियन का राम को लाठी लेकर के पीट दे रहे हैं और झूठन का राम के दूध पिला रहे हैं। सहियन का गणेश जी के मुसहिया दवाई धर रहे हैं और झूठन का गणेश का लड्डू बताशा खिया रहे हैं। चूहा का पूजा होता है, माटी का चूहा बना दिया जाएगा तो पूजा होगा। ये पखंडी जितने हैं माटी का चूहा पा जाएंगे तो गणेश मानने लगेंगे और सहियन का चूहा के मुसाई मार दवाई रखेंगे। ये जितने भगत लोग हैं, जितने अवतारवादी हैं, सहियन का राम जो हैं, गौरी गणेश, माता पिता, भाई बहन, उसका अपमान कर रहे हैं, गोबर गौरी में फंसे हुए हैं। तो संत कहते हैं कि उसे तत्व से जान। रामायण गीता सब कुछ धर्म ठीक है, मगर उसमें जो अवतारवाद बनाया गया है वही सब पाखंड है। अवतारवाद वाली कहानी जो है, मुल्ला लोग कहते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं कि कुरान को किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये आकाश से उतरी हुई है।
अवतरित किताब है, तो हम कहे कि बतावल जा कहाँ परेश है कि जहाँ कुरान छप रहा है। वेद पुराण इंसान ने नहीं लिखा है, स्वयं भगवान मुखारबिंद से बोला गया है। भगवान कब थे, कब अवतार लिए थे? अरे इस संसार ही भगवान, इंसान ही भगवान है, मगर ये सब भगवान कल्पना में खोज रहे हैं। आज माला डुला रहे हैं, माला से भगवान को खुश करना चाहते हैं। तो कला माला तो कर में चल जीव चल मुख माही, आ मनुआ त चौदिस चल ई कोई सुमिरन नाही। माला से भगवान को खोज रहे हैं। तो कबीर साहब कहें कंठी फेरे हरि मिल त कबीरा फेरा कुन्ना। कहना अगर कंठी फेरे हरि मिल जाते हैं तो हम कुन्ना फेरेंगे। तो ये साहब यह दुनिया पाखंड में पड़ी हुई है, मगर हम आपसे कहते हैं कि आप रामायण पढ़िए। रामायण में दो अर्थ बात लिखी गई हैं। ये राम दो है, एक हम एक आप। जो हम जो हैं, हम गृहस्थ हैं। अब आप का मतलब होता है संत। जो संत होता है एक राम वह है। तो गृहस्थ राज काज परपल्टी मेहरारू खेती बाड़ी के लिए झगड़ा करेंगे, टकराव होगा, मगर संत शांत रहते हैं। संत के पास न मेहरी न लड़का न खेती न बाड़ी न घर न द्वार। उनका जो घर द्वार पूरा संसार ही है, खेती बाड़ी पूरा संसार ही है। तो राम दो हैं। अब हम कल्पना वाले राम में भजन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कल्पना में पड़े हुए हैं। मगर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम दो हैं, एक राम संत हैं एक राम गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ जो हैं वो भाई भाई आपस में टकराव लड़ाई करेंगे, और एक संत हैं कि वो सबको समानता करुणा क्षमा दया प्रेम भाव की ज्ञान सिखाएंगे। तो संत रामायण में दो प्रकार के राम हैं। एक राम बता रहे हैं कि नारी नयन सर जाही न लागा, घोर क्रोध त मनीष जहि जागा, लोभ पास जे गरन बधावा, सोनर तुमरे समान रघुरावा। कहला जेकरे नारी के नयन सर, कहला जेकरे नारी के चकचोनी न लगल हो, लोभ मोह में न फसल हो, माया में न फसल हो, उ एक राम है, उनर आपके समान है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तुलसीदास वाल्मीकि से कहवा रहे हैं, सारी कहानी लिख रहे हैं ये लोग। अब कौआ से कहवा रहे हैं, बंदर से कहवा रहे हैं, जयंत से कहवा रहे हैं, मगर संत लिख रहे हैं। ये हम आपको समझने के लिए कि जेकरे नारी के चकचोनी न लगल है, लोभ मोह में न जो फंसा हो, वही इंसान आपके समान है। तो राम जी तुरंत सीता जी का हाथ पकड़ के आगे कर दिया। कहना हे राम जी, हे संत जी, हे वाल्मीकि जी, हमके तो जनकपुर फुलवरिया में फुलवे लोढ़त के चकचोनी लग गई थी। इधर से यो फूल लोढ़े गई लहनी जनकपुर फुलवारी में, उधर से हम भी गुरु जी कहे रहे थे कि जाओ फूल लाओ। अब दोनों जने जब फुलवारी में देखली तक चकचोनी तो हमके फुलवरिया में लग गया। आकर बाद देखी साहब भैया सथ में लेके आए हैं। अरे चकचोनी तो आपके नाय लगल है, झूठे हमके कहत हैं। हे नाथ तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, आ विश्व बदर जी में तुम्हारा इहा था। हे वाल्मीकि जी, हे संत जी, अरे हमको तो चकचोनी लगी हुई है कि आज बने ले आए हैं, मगर आपके नहीं लगल है, आप हमके स्वयं कहत हैं। तब हमार बहुत बड़ा पुण्य है कि आपका दर्शन हुआ। तो एक राम संत होते हैं, एक राम गृहस्थ होते हैं। बिना गृहस्थ के संत कभी पैदा नहीं होंगे, इसलिए गृहस्थ भगवान आप ही लोग राम हैं। कि जननी जनक सिया राम प्रेम के, जननी माने माता, जनक माने पिता, और सिया माने भाभी, और भैया रामचंद्र जी।
जननी जनक सिया राम प्रेम के। जननी माने माता, जनक माने पिता, सिया माने भाभी और भैया रामचंद्र जी हैं। आ बीज सकल व्रत धर्म नेम के, यह बीज सकल व्रत धर्म नेम है। धर्म क्या है? भाई भाई से प्रेम। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म का परिभाषा क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म किसी एक इंसान के लिए नहीं है। धर्म का मतलब होता है शरीर का धर्म क्या है? भोजन। शरीर का धर्म क्या है? प्यास। शरीर का धर्म क्या है? ठंडी गर्मी, ठंडी में कपड़े की, यही शारीरिक धर्म है। बाहर का धर्म क्या है? भाई भाई से प्रेम। कहते हैं सभ्यता, सभ्यता में हर कोई रह सकता है, संस्कृत माने विद्या हर कोई अध्ययन कर सकता है, मगर धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जो धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं है, ये धंधा है। धर्म एक ही समान सब पर लागू होता, वही धर्म है। सूर्य का धर्म क्या है? कि सबको एक समान प्रकाश देता है। यह नहीं है कि यह पूर्णिमात्मा है तो इनको घाम छहियां कर दें, आ जो पापी हैं उनके ऊपर घाम कर दें। यह नहीं है कि जो पापी है उसको गंगा जल जो है गर्म पानी दे, आ जो धर्मात्मा उसको शीतल पानी दे। उस सबका धर्म एक समान है। धर्म क्या है? कि सब एक समान पैदा होते हैं, न कोई मुसलमानी न जनेऊ करवा करके पैदा होता है। यहाँ बना करके ये ढोंग बना दिए हैं, सब एक समान। शरीरी का धर्म एक ही समान सबको, सबको एक समान सुई लगेगी, सबको एक समान ऑपरेशन होगा, सबको एक समान दवाई खिलाया जाएगा, सबको एक समान बोतल चढ़ेगा, सबको एक समान ऑपरेशन होगा, यही सब धर्म है। आ जो धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमार त्यौहार है, हई कबीर पंथ है तो हई पंथ है, तो हो पंथ है तो हई राधा स्वामी पंथ है, ये धर्म नहीं है, सब धंधा है। तो हमारा यह का नाम है कि आप तार्किक बनिए, वैज्ञानिक और संविधानिक बनिए। यह नहीं है कि जो हम बात कहें अंधे की तरह आप लोग मान लें, तार्किक बने। विज्ञान और ज्ञान कहता है कि तर्क करो, सही उत्तर तो मानो। आए ठेकेदार कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास कर लो, विचार करने की जरूरत नहीं है। गोबर है तो उसकी पूजा करो, वो भगवान है, विश्वास कर लो। मगर हम लोग को विचार करके तब विश्वास करेंगे। तो इस पाखंड में हम ढोंग में पाखंड में जा रहे हैं, और पाखंड में हमको शांति नहीं मिलेगी, और हम आडंबर में जा रहे हैं। तो हमारा कहना है यही कि आप जागिए, आप तार्किक बनिए, संविधानिक ज्ञानी बनिए। ये जितने धर्म बनाए गए हैं सब धंधा है, मगर धर्म की किताबें कोई यह नहीं कहती हैं। किताब किसी को लड़ाती नहीं है, हम आप लड़ते हैं। क्यों? कि समझ नहीं है। जब समझ हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जब सब में ईश्वर एक ही है तो लड़ने की क्या जरूरत है। तो हम ईश्वर के नहीं, हमें मान सम्मान चाहिए। ईश्वर को जानना तो ईश्वर तो हमारे अंदर है, बाहर प्रेम करने की जरूरत है। तो आप जागिए, इस पखंड से निकलिए। देखिए किसी धर्म संस्था मजहब पंथ में जाएंगे अगर तार्किक नहीं रहेंगे तो आप भेड़ी और बकरी के समान ही रहेंगे। देखिए कई ठे गणेरिया होते हैं गांव में, कई ठे चरवाह होते हैं। गणेरी का एक मान लीजिए कि गणेरी बिरादरी जो होती हैं वो अलग अलग भेड़ बन रखती हैं, सौ सौ दो दो सौ भेड़ी एक एक गोल में रहती हैं। वही तरह हिंदू धर्म में की भेड़ियाँ अलग हैं, इस्लाम की भेड़ियाँ अलग हैं, सिख की भेड़ियाँ बकरियाँ अलग है, ईसाई की भेड़ियाँ बकरियाँ अलग है, जय गुरुदेव घा जितने हैं उनकी भेड़ी बकरी अलग है। अब हमारे यहाँ सत्संग हो रहा था, एक जय गुरुदेव घा आ गए। अब जब जय गुरुदेव घा आ गए तो ऐसे उठ उठे ऐसे बकुलवन खानी टाकें कि ये तो कोई लिखवाया नहीं है पीठ पर। अब वो सुन ही नहीं रहे हैं, तो कह रहे हैं जय गुरुदेव का सत्संग नाइन होते हैं,
तो कहना कि जी अरे सत्संग हो रहा है इंसान का हो रहा है, तो कहना यहाँ कोई लिखवाया नहीं है पीठ पर, तो कहना तो यहाँ जय गुरुदेव का नहीं हो रहा है, यहाँ मानव धर्म का हो रहा है, मानव का। तो कहना जय गुरुदेव का नहीं है, हम जान गए हैं कि यहाँ बैनर नहीं पीठ पर किसी के है। तो उठाए अपना व्यक्ति चला गया, तो वो भेड़िया का अलग अलग गोल है, भेड़ बकरी के समान। मगर हम यह कहते हैं कि आप एक ही पंथ में जाएंगे तो भेड़ी बकरी के समान ही रहेंगे। आप तार्किक बनिए, आप सबके सबकी ज्ञान लीजिए, सबका सुनिए और अपने विवेक रूपी कसौटी पर कसिए कौन सही है कौन गलत है, क्या गलत है। तो इसी तरह से किसी पंथ संस्था में जाएंगे तो आप भेड़ बकरी के समान ही रहेंगे। आज जब तत्वदर्शी संत के पास जाएंगे, किसी तार्किक के पास जाएंगे, जैसे भगवान बुद्ध कबीर यह तार्किक संत थे और तर्क पर जो उतरता था वही बात मानिए। तो जब आप संत के शरण में जाएंगे तो संत के समान में कहना गुरु के ज्ञान है या नहीं, आ चेला मुण ढेर, आ गुरु हई है गड़ेरिया, चेला हुई है भेड़। अब शिव चर्चा में भीड़ लगी है, जय गुरुदेव में भीड़ लगी, आसाराम में भीड़ लगी है, जितने पंथ हैं सारे में भीड़ लगी है। मगर आप जब संविधानिक तार्किक ज्ञानिक और वैज्ञानिक बात करेंगे तो ये भेड़िया तो कम समझेंगी, इंसान मानव ही समझेगा। और किसी पंथ संस्था की हमारे सत्संग को हम सारे में मंत्र लिए हैं, जय गुरुदेव राधा स्वामी धन निरंकार राम रहीम आशा राम बाल जोगेश्वर सचिदानंद प्रणामी, कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जिस धर्म में हम मंत्र नहीं लिए। और सारे धर्म का मंत्र लेकर के हम सारे से अलग होकर के हम ये बात बोलते हैं कि तुम तार्किक बनो, तार्किक बनो, अवैज्ञानिक बनो, संविधानिक बनो, जो मानव धर्म का बात करो। हिंदू धर्म सिख धर्म ईसाई जय गुरुदेव राधा स्वामी मजहब पंथ संस्था पार्टी में मत जाओ, तुम तार्किक बनो। इसमें रहोगे तो भेड़ बकरी के समान ही रहोगे, इंसान बनना बहुत मुश्किल है। अब हमारे यहाँ आप आ गए, हमारा मंत्र ले लिए, हमारा सत्संग सुन रहे हैं, बस हमारी बात ही सुन रहे हैं, तो आप भेड़ ही बकरी बनेंगे। आप हमारा भी सुनिए, किसी और का सुनिए। जब कई स्कूल में पढ़ेंगे, कई क्लास में पढ़ेंगे, जब कई क्लास के दर्जा पर जाएंगे तब आपको ज्ञान होगा। केवल एक पंथ में जाने से कभी ज्ञान नहीं होगा, केवल भेड़ के तरह ही रहेंगे, बकरी के समान ही रहेंगे। आ गुरु बाबा आपका यूज करेंगे, जब मन करेगा तो आपका यूज करेंगे, आ यूज करके फिर आपका जबह कर देंगे। यूज करना, यूज करने का मतलब जो राम रहीम आशा राम कर रहे थे वो यूज कर रहे थे। और जबह का मतलब है कि चलो मंदिर बचाना है, मंदिर बचाना है, अयोध्या में मस्जिद तोड़ना है, अब ठेकेदार साहब वहाँ ले गए, अपने तो साहब अडवानी अडवानी अपन मलाई खा रहे हैं, अपन ठीक करा करके अब यह जनता के तने मार गए, हिंदुओं के तने मुसलमान कितने भेड़िया मारे गए, ये नेता ये कभी नहीं मराए, ये साधु ठेकेदार ये कभी नहीं मराए, ये आम जनता ही भेड़ी राम को बचाने के लिए गया, अब साहेब अपन ही मारे गए, भेड़ी बकरी के तरह वहीं अयोध्या में कट गए, न राम आए न अल्लाह आए, और ठेकेदार आज तक मजा ले रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा? कभी नहीं। ये सब पखंडी हैं। अब आपको भेड़ बकरी के समान यूज करेंगे, जब ढेर चेला हो जाएंगे, करोड़ों जब चेला हो जाएंगे, तो एक नेता जाएगा कहेगा गुरुजी तनी हथवा हमारे कपड़ा पर रख दीजिए, तनी चेलवन से दया करवा दिया जा, जवन कहीं तो कह दें ये साहब 22 करोड़ रुपया गुरुजी ले लिए, अपना वीआईपी में मंदिर बनवा रहे हैं, आए आपसे कह रहे हैं कि वोट फलाने के दी हा, अब आप ना जानी कि मंदिर पर से महाराज हमें 500 में बेच दी है, मलाई तो अपना मंदिर बनवा रहे हैं, हमसे कहते हो वोट फलाने के दी। तो आप भेड़ बकरी के समान रहेंगे और गुलाम हो जाएंगे। अब यह मौलवी मुल्ला ईसाई सिख इस्लाम पादरी ये जितने हैं
जय गुरुदेव, राधा स्वामी, ये सब जितने हैं ये सब कनेक्शन नेतन से है। तो आप पखंडिन के जाल में मत रहिए, तार्किक बनिए, वैज्ञानिक बनिए, संविधानिक बनिए, जिससे आपका कल्याण हो। और किसी मजहब पंथ में अगर एक थे जय गुरुदेव का है और राधा स्वामी वाला है, वो दोनों व्यक्ति के एक लगे बैठा दीजिए तो पटरी नहीं होगा, भेड़ी के समान लड़ जाएंगे, जैसे भेड़ भेड़ अपने में लड़ती हैं। एक कबीर पंथिया है आ एक रमणिया है, उसे बैठा दीजिए तो वो सब आपस में लड़ जाएंगे। इसी तरह ये मजहब पंथ भेड़ बकरी के समान लड़ेंगे। आ इसमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर ज्ञान होता तो इतना पंथ नहीं होता। कहे कलिमल ग्रसई धर्म सब आलुप्त भय सगद ग्रंथ, आदम्भी निज मति कल्पि के प्रगट कीन बहु पंथ। कहना यह जो है लालच छल कपट कलयुग ऐसन धर्म के गस लेले है कि सदग्रंथ सदबुद्धि सदविचार लुप्त हो गया। ये दम्भी पखंडी अपने मति से कल्पित पंथ प्रकट कर दिए। अब कोई कह रहा है कि पंकज का भजन करिए, कोई कह रहा तिवारी की भजन करिए, आ तिवारी भजन कर रहे हैं कमले के फूले के, आ पंकज भजन कर रहे हैं साइकिली के। अब जय गुरुदेव भीतर चले गए, अब राधा स्वामी में दो पंथ हो गया है, कबीर पंथ में 12 पंथ हो गया है। यहर है शिव नारायणिया हमें शिव नारायणिया पंथ के हैं, तो वैष्णव है तो बावन अखाड़ा के हैं, ऐसे ऐसे भेड़िया का अलग अलग गुट हैं। तो कहे हैं कि अनहरन का हाथी सही सबका भूक ज्ञान, आँखी से न देखिए बोले भिन भिन बान। अनहरे हाथी सही कह रहे हैं, धर्म धर्म सही कह रहे हैं, मगर धर्म का परिभाषा हाथी का परिभाषा बता रहे हैं कि हाथी पेड़ की तरह है। कोई कह रहा हाथी सूप की तरह कनवा पकड़ लिया था, कोई पैर पकड़ लिया तो कहा हाथी जो है पेड़ की तरह है, कोई पेट पकड़ लिया तो कहा हाथी हौदी की तरह है, कोई हाथी के ऊपर बैठ गया तो कहा हाथी मड़ई की तरह है। अब धर्म की परिभाषा ये सब गलत बता रहे हैं, मगर धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है, धर्म सब एक समान पैदा होते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, शारीरिक धर्म, सूर्य का धर्म, चंद्रमा के धर्म, ये सब दिखाई जितना दे रहा सबका अलग अलग धर्म है, यही धर्म है। आ जो धर्म किसी एक व्यक्ति का हुआ धर्म नहीं है। प्यास सबको एक समान लगता है, यह धर्म है। बुखार सबको एक समान लगता है, यह धर्म है। सबको सुई दवा एक समान खिलाया जाता है, ये धर्म है। जो धर्म हमारा है आपका है वो धर्म नहीं, धंधा है। और भेड़ बकरी के समान आपका यूज करेंगे, आपसे मलाई काटेंगे, तो ढोंग में भूलैबा जबले देश में ठगैबा तबले, ढोंग में भूलैबा जबले देश में ठगैबा तबले, ढोंग में भूलैबा जबले देश में ठगैबा तबले, अरे काटल जइबा जब खा के अखारा बखरा में मार ही मिले, अरे काटल जइबा जब खा के अखारा अरे काटल जइबा जाओ खा के अखारा बखरा में मार ही मिले, अरे काटल जइबा जाओ खा के अखारा बखरा में मार ही मिले। जब तर कुल्हा जइबे बिन्हा चल जइबे, आई हर नाव लोग हमारे यहाँ कुछ धोबी लोग हैं कुछ अमार लोग हैं, तो ऐसा जब धनिया कुला खा में आज चेनूरे से टीक दी है, सेनूरे टीके के फूले माला डाल दी, ऐसे जव डाल दी है। आ जउआ खात रही तो अलग घरसा गिरा दी है, महारानी तुरंत बकरा या भेड़ी ले ले ली। वही तरह ये ठीक दरवे जवन हमें एक ठे कंठा कुल पहरा दिले बाड़े, आप लोगन के कंठी पहरा देने हैं, फोटो बिल्ला पहरा दे हुए हैं, अनेक प्रकार का एक ठे अपन बना दिए हैं। आ उसके बाद घरसा गिरा दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अब कितने कटवा दिए अयोध्या में, कुछ मिला नहीं हम लोग को, भगवान हमको कुछ दिए नहीं। जब देंगे तो ठेकेदार के कितनों बड़ा विश्वकर्मा जी बड़ा संत हो जाई हैं, एक विश्वकर्मा बोला के कबो हवन नहीं कराई,
कितनो बड़ा मौर्य, कितनो बड़ा यादव, बड़का संत हो जाई हैं, एक यादव एक मौर्य बोला के हवन पूजा नहीं कराई। यही ठेकेदार साहब को बुलाया जाएगा जवन गण सभा गिरा दिए सतयुग से लेकर के आज तक गुलाम बनाए रहे। तो कहले ढोंग में भूलैबा जबले देश में ठगैबा तबले, ढोंग में भूलैबा जबले अरे काटल जाइबा जाओ खा के अखारा बखरा में मारी मिली, अरे काटल जाइबा जाओ खा के अखारा छोड़ा बेदया पुराण पूजल पथारा बखरा में मार ही मिले, छोड़ा बेदया पुराण पूजल पथारा बखरा ताज ज केहू दूसर तू त बनल जजमान बड़ा, जज केहू मान बड़ा जज केहू दूसर तू त बनल जजमान बड़ा, जज केहू तू त बनल जजमान देश में छलात पढ़ के पोथिया पुराण बड़ा, देश में छलात पढ़ के पोथिया अरे झेलत बारा गुरु जी का नखाड़ा बखरा में मार ही मिले, अरे झेलत बारा गुरु जी का नखाड़ा बखरा ही मिले, अरे झेलत बारा गुरु जी का नखाड़ा बखरा में मार ही मिले, अरे झेलत बारा गुरु जी का नखाड़ा मिले, झेलत बाड़ा गुरु जी का नखाड़ा बखरा में मार ही मिले, छोड़ा छोड़ा चारों धाम गया पिंडा पथारा, छोड़ा चारों धाम गया पिंडा पथारा बखरा में मारी मिले, छोड़ा चारों धाम गया पिंडा पथारा ढोंग में भूलैबा जबले देश में ठगैबा तबले, ढोंग में भूलैबा अरे काटल जाइबा जब खा के अखारा बखरा में मार ही मिले, अरे काटल जाइबा जब कहला जज केहू दूसर तू तो बनल जजमान बाड़ा। जज के बा कि पांच ले पढ़ले बा लइका उ जज बा, आ तू इंजीनियर मास्टर प्रोफेसर हो के आ भइल बाड़ा जजमान, आ जजमान भइल बाड़ा साहब, आ गोबर गौरी पूजवाय के साहब आ आप के जब कके लेकर के चले गए। तो कहना है आपका पढ़े लिखल बेकार है कि जब एक व्यक्ति मूर्ख बना दिया जो चार पांच में पढ़ा है, तो कहा था मैं कि झेलत बारा गुरु जी का नखड़ा, गुरु जी का नखड़ा का है कि आप अगर सीधा आपके चावल दाल सब कुछ आपके आ जब छू दियनी बनले पर तब खइहे नहीं, सब कुछ आपके है मगर वो आपके घर का खइहे नहीं, बालू दही जमा दें चिवड़ा खा ली, इतना परेशान करी हैं कि आप पचास जने के खियाले में बाकी एक ठेरी पखंडी के खियावले में बड़ा परेशानी पड़ी, इतना कई प्रकार का नखड़ा करी कि पचास जने के आप भोजन करवा सकीले मगर एक ठे जब पखंडी आ जाए तो इतना नखड़ा करी कि आप परेशान हो जाए। मैं तो कहना जा जा के ऊ दूसर तू तो बनल जजमान बड़ा, जा जा के ऊ दूसर तू तो बनल बड़ा देश में छलात पढ़ के पोथिया पुराण बड़ा, देश में छलात पढ़ के अरे झेलत बड़ा गुरु जी का नखाड़ा बखरा में मार ही मिले, अरे झेलत बड़ा गुरु जी का नखाड़ा त चढ़त पितर पक शूद्र बाबा धाम जाई हो, चढ़त पितर पक शूद्र बाबा धाम जाई
इहा हो सात पीढ़ी पीछे पुरखा वहीं बैठ इहा हो सात पीढ़ी पीछे पुरखा इहा हो चढ़त पितर पक सुद्रा बाबा धाम जाइहा हो चढ़त पितर पक सुद्रा यहाँ हो सात पीढ़ी पीछे पुरखा वहीं बैठ इहा हो सात पीढ़ी पीछे अरे दिहा गौदान पिंडा पथारा बखरा में मार ही मिले अरे दिहा गौदान पिंडा पथर बखरा में मार अरे छोड़ा गरुड़ा पुरान पिंडा पथरा बखरा में मार ही मिले छोड़ा गरुड़ा पुरान पिंडा पथर ढोंग में बुलैबा जबले देश में ठगैबा तबले ढोंग में बुलैबा जबले अरे काटल जाइबा जाओ खा के अखारा बखरा में मार ही मिले अरे काटल जाइबा जाओ खा के बखरा कहना चढ़त पितर पक शूद्र बाबा धाम जाई है जे नाय अस्सी अस्सी ओ बी सी वाला बार ये तरी बेर नशा चढ़ गल बाकी आइए बाबा पानी पिलाना है अभी नहीं है अजूरी के अजूरी पानी पियावल जात आजा बाबा पीने आ रहे हैं तो कहले चढ़त पितरपक शूद्र बाबा धाम जाइए तनि बेर पांडा बाबा खोजत हैं कि 40-45 हज़ार लगी यहाँ से वहाँ ले आ 40-45 हज़ार रुपया काढ़ ला आ चाहे धैले होखा मेहनत किए होखा और उसके बाद चाहे कर्जा काढ़ के अब वहाँ बाबा के धाम जा अब यहाँ से ही बैठौले बसे में आज इतना उनका साढ़ू सार बहनोई सबके कि यहाँ ले गई अब सबके कि यहाँ 2000-4000 गोड़ धरवाई ओकरे बाद कहले पंडा बाबा कि सात पीढ़ी तुहार पुरखा भाई नरक में झेलत है जब पतरा खोलल है आ पतरा में बतावलें कि अब सबका नाम बतावा कितना आपके बाटम मरल बाड़ा कितना जवान मरे हैं अब सबके जब बता दे मखतरा खतियोनी तो सबके लिख ली आ सब का लिखल एक बात पतरा देखी हैं और तो उसके बाद कही कि ये सब लोग जो हैं ये स्वर्ग में नहीं गए इधर ही झेल रहे हैं अरे बड़ी बढ़न भाग्य है पूर्वज की देन है कि आप हमारे यहाँ आईली हैं तो जब हमारे आप यहाँ आईली हैं तो एक एक व्यक्ति पर 5-5 सौ रुपया लगी जाप करवाई आए आप लोग दोनों परानी ऐसा है बिहान व्रत रह नीरा जल और सवेर में से पंडा बाबा बैठवा के दोनों पर आने के आ एक एक व्यक्ति के अगर 12 जने बांटे घर में का मरल तब 12,000 तो ऐसे लग जाए आ उसके बाद वो बढ़िया ठठ करम से आप लोगन के फूल या पिसान आ जब सारा पिंडा उंडा होगा सवेरा ही से साहेब आ 10 बजे रात ले अपने बाप पुत उठ उठ पानी पी हैं आ आपके कहें जो उठ जाएगा तो तुरंत कनेक्शन स्वर्ग वाला कट जाए आ दोनों परानी के नीरा जल भुखवा के वहीं में साहेब पैसों चूसना नहीं का बर्बादी दादा स्वर्ग में जा रहे हैं अब वहाँ से साहेब वहाँ से दादा जो है पिंडा उंडा दे के बैठ गए न मगर आप इन्हनक भागवत पढ़ल जा उस भागवत में लिखल जा कि जो है कहते गौकरण सौ पिंडा परवाए थे आ जब गौकरण सौ पिंडा परवा के धुंधकरिया के नाम पर आए तो धुंधकरिया फिर रोए लगल घरे आकर के सपना में कहना अरे तुम फिर आ गए तुमके तो गाया ले गई नहीं बैठाने के लिए तुम कैसे फिर चले आए कहला अरे भैया तू सौ नाई कई 1000 पिंडा दा मगर वहाँ पिंडा से हम नहीं बैठेंगे किसी संत को बोला करके आप सत्संग कराइए आप हम हमारे आत्मा को तब शांति मिलेगी जब सत्संग होगा तो सत्संग ये सब कहाँ सुनेंगे कहला भागवत ही होगा भागवत करावा 7 दिन का फिर वहाँ लपेटल
अगर संत का सत्संग हो रहा है तो आपका पहले भरम निकलेगा, तो पूरे परिवार का भरम आप पूरा 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी जितना पराक्षित है सब खत्म हो जाएंगे, मगर भागवत से कभी नहीं खत्म होंगे। भागवत में केवल बाबा का फायदा होगा, मगर कथा में बतावल गई कि वो गौकरण 100 पिंडा दिहले के बाद फिर कथा बनौलें कि घरे जाइया तो भागवत करवा डली। अब बभना वहां से पंडा बाबा घीव जब झटकल है जब गांव पर, तो वो बभना के थरिया में गिरल, तुअरे भाई पटीदार के थरिया में ना गिर। जब वहां से घीव झटकल है कि वहां से आवा घरे भागवत करावा हो, वहां से आवा घरे नव दिन मलाई मेवा गुरु के खियावा हो, नव दिन मलाई मेवा गुरु के खिया। अरे दसवें दिन बनी तोहर जतारा बखरा में मार ही मिले, अरे दसवें दिन बनी तोहर जतारा बखरा में मार ही चढ़त पितर पक शुद्र बाबा धाम जाई हो, चढ़त पितर पक शुद्र हो, 7 पीढ़ी पीछे पुरखा वही बैठाई हो, 7 पीढ़ी पीछे अरे दिहा गौदान पिंडा पथरा बखरा में मार ही मिले, अरे दिहा गौ हरा बखरा त ढोंग में भुलैबा जले देश में ठगैबा तबले, ढोंग में भुलैबा अरे काटल जैबा जब खा के अखारा बखरा में मार ही मिले, अरे काटल जैबा जब खा के अखारा में मार। अब 7 पीढ़ी पीछे पुरखा आपके वहां बैठौने एक एक जने पर न कुछ 50-50 सौ 40-40 सौ। जब हम छोट थे तो जने करवावे गए बिन्हा चल, जय गुरुदेव बाबा थे वह लेकर गए, तो जब जय वहाँ गए तो पिन जनेऊ करवाई 5,000 रुपया कहा तो 5,000 लगेगा। अब वहाँ से दूसरे लगे गए न, तो जब दूसरे लगे गए ना तो कहा 4,000, तीसरे लगे ऐसा खोजत खोजत साहे 500 रुपये आई में, अब खोजत खोजत 900 कोनो 500, तब कहना बाबा 500 कुल मांगत हम। आ जब 500 के बाद तुरंत का कहने जय गुरुदेव बाबा अपन ही हमके पहरा दे हले महारानी जी के थाने ले जाके, आ कहला 500 हमके दे दे हल जा 500 अपने ले लिए। तो यही तरह से आपके जितना घटावत 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 तो एक एक व्यक्ति पर 400-400 तो जरूर लगी। अरे कठ भाई मरल मान कह जने दादा मरण जेकर जेकर नाम याद होकर सबके चला वहाँ बैठावा, कुछ ये चूसलस कुछ वो चूसलस। अब करे बात कहला अब बहन उद्यार ना आई है, अब बहन सतवा दरवाजा जान तो कब खुली कि वहाँ से आवा घरे भागवत करावा हो, वहाँ से आवा घरे भागवत करावा हो, 7 दिन मलाई मेवा गुरु के खियावा हो, 7 दिन मलाई मेवा हो, 9 दिन मलाई मेवा गुरु के खियावा हो, 9 दिन मलाई मेवा गुरु के खियावा। अरे 10वें दिन बनी तुहर जतारा बखरा में मार ही मिली, अरे 10वें दिन बनी तुहर जतारा बखरा में मार ही मिली। अब वहां से आवा तो खटिया पर न बैठी है उतीर बस नहीं जबल भागवत न हो जा, ऐसा मरंगा डाल दिए आटे कि साल 2 साल 4 साल न तुहरे व्यवस्था बा, तो भाई खटिया पर न खटिया पर बैठवा तो तुरंत भक्ति जो है उस स्वर्ग के जो रास्ता में पिता के रास्ता में बाधा पड़ जाएगी। तो उसके बाद अब खटिया नहीं बैठे कैठे लेहले रह कर तत्काल लोह बनना,
अब एक जल्दी हटावे के झमेला डाले में। आ बाबा वहाँ से जब पंडा बाबा घी झटकल है तो कहल न कुछ तो 551 न उतना हो सकत, 111 इतना पंडित खिया डरिया। आ ओकर बाद 9 दिन मलाई मेवा अबे भागवत जब बाबा कहत हम तब कहत हम ही ना खाब, केहू बाबा कहता हमू ना खाब, केहू कहता फरहारी हैं। अब इन्हा लोगन का नखरा जौना लगे बा। इसके बाद जब भागवत होने लगा अब 3 जने 2 जने ही बाबा लोगन के मलाई मेवा 10 दिन ही परथान रहा, केहू फरहार करत है केरा सेव, केहू जौन है भोजन करत है उनके अलगे बनत है। उसके बाद 10वें दिन जब तक था दर्री बर्तन जब डीसीएम पलदल तभी दिमाग खुलल कि अरे 10वें दिन बनल तुहर जतारा आ बखरा में मारी मिले, अरे 10वें दिन बनल तुहर ओकरे बाद उहो घी झटकल तो कहल कि ऐसा ना सजावा के लाइन से दही चूरा। उहो जब झटकल तो थरिया के घी इन आना लोगन के थरिया में गिरा, तुहार भाई पटीदारे के थरिया में घी ना गिरल जौने से उद्धार हो। अब इतनी बेर जाल फेंकले बाट पांडा बाबा आ हनुमान जी गए बाड़े ना हनुमान जी गए गए नहीं हैं, मगर उनका कहत परिक्रमा करावे हम कहीं ठीक है ठीक है। तो वो हम कहीं अपने घर के 2-4 जने हुई हैं उन्हों को भेज दे मैं कि जाने वहाँ जाके स्वर्ग में बैठे। तो कहला ढोंग में भूलैबा जबले देश में ठगैबा तबले, ढोंग में भूलैबा जबले देश अरे काटल जैबा जब खा के अखारा बखरा में मार ही मिले, काटल जैबा जब कृष्ण गीता में कहे हैं कि यह जीवात्मा निकलती है उसके बाद कर्म के अनुसार तुरंत दूसरी जोनी में धारण कर लेती। आ पंडा बाबा फिन कहत हम वह पंडित जी कि अब हैं तुहार राजा परपाजा घरवा के अगवरमा पिछवरमा कोरवा बसवा में भरमत हम। एक पंडा यह बता रहा है, एक पंडा कह रहा है कि जीवात्मा निकलती है तो कहीं नहीं ये जीवात्मा शरीर में प्रवेश होती है जैसा कर्म रहता है। तो फिर कैसे हमारे राजा बाबा भरम रहे हैं अब पूछना चाहिए, मगर ये जितना कूपमंडूक वाले भक्त हम बकरी या भेड़ी ये पूछने लायक नहीं न समझने लायक। पैसा आ रहा है, बच्चे कुल कमा रहे हैं, सरकारी पेंशन है, अपना खूब लुटा रहे हैं। तो वो बकरी और भेड़ी जो होती हैं वो सब ऐसा जव रख देते हैं आ टीका या चरणन माला पहरा के आ घप गणसा गिरा देते हैं। वही तरह से हम लोग को ऐसा गुलाम बना दिए यह ठेकेदारों ने कि आज तक हम लोग गुलाम बने रहे और भेड़ बकरी के समान ही रहे। ये तो संविधान की देन है कि इंसान बन गए हम, भेड़ बकरी से हम लोग बहुत बेहतर थे। भेड़ बकरी तो ठीक, मगर हम लोग भेड़ बकरी से जानवर बना रखे थे। आज कुछ जानवर कुछ भेड़ बकरियां हैं कि जो लाइन में लगाई हुई हैं, मगर अब शिक्षित है व्यक्ति, अब शिक्षा के शरण में जाइए और इस पाखंड से मुक्त होइए। तो कहना या सी एस टी ओ बी सी गैला बउराई हो, या सी एस टी ओ बी सी हो नहीं एक भगति शिवा चरा चबायल, हो नहीं एक भगति अरे भूल तीरथ मूरत पानी पथारा बखरा में मार ही मिले, अरे भूल तीरथ मूरत पानी जज केहू दूसर तू त बनल जजमान बड़ा, जज केहू दूसर तू त बड़ा देश में छलात पढ़ के पोथिया पुरान, बड़ा देश में छलात पढ़ के अरे झेलत बड़ा गुरु जी का नखाड़ा
बखरा में मार ही मिले, अरे झेलत बड़ा गुरु जी का नखाड़ा। कहले एससी एसटी ओबीसी गइल बउराई, नई एक भक्ति शिव चर्चा बयाई, जितना ये हर गरीब पार्टी के भाई जम के शिव चर्चा करत ही। आ शिव बाबा जो हैं परसरिए पे आके छप जात हुआ, कबो डमरू आ जात हुआ, कबो त्रिशूल आ जात है, कबो पार्वती आ जाती हैं, कबो गणेश आ रहे हैं। हम कहली जब सभी आ जात हो तो कहीं एक गड्डी दू गड्डी बक्सवा में नहीं फेंक देते हैं। जब एक दू गड्डी एस सी एस टी ओ बी सी का गड्डी जब बक्सा में फेंक देते तब हम जानते, मगर इनका ज्ञान वही है कि कहना जहाँ झूठ बोलल जा वहाँ ज्यादे जयकारा लगता, तो झूठ है और पखंड में ज्यादा जयकारा लगता है। अब बाबा त्रिशूल छप जा रहे हैं तो जन एक औरत थी कहले महाराज झूठे में बहुत बड़ा दम है, झूठ में बहुत बड़ा चमत्कार है, आ झूठ जहाँ होता वहाँ बड़ी भीड़ लगती है। तो कहला कि कैसे झूठ, तो कहला कैसे झूठ से भीड़ लगती है, तो कहला देखाई कि कह के सुनाई, कहला ना आज देखल का ठीक है, तो कहला आठ दिन का समय ले, और आठ दिन का समय का आठ दिन का समय दी है ना गुरु जी मंत्री थे राजा, कहला आठ दिन का समय दे रहे हैं। और बाद तुरंत गई बिहान भर साहेब बढ़िया लट्टी या बनलस या राखी ओखी पोच के आ ऐसे चट्टाने एक हवन कुंड खन के लकड़ी अपना वहीं में बना के हवन करत या मेहरारू लोग तो लाइन लगाती हैं पहले, अब भभूत देवे लगल या पर्दा लगा दिए सात ठे। आ कहले जे हमन दर्शन करी सच्चे दिल से देखे यही पर्दवे में भगवान लगी सतमें पर्दा में, जे बहुत भक्ति कम कम भक्ति कैले रह के सतम लग गया पहले में लौकी जाइए आ सच्चे दिल का हुई, मगर दोगलन के ना लौकी जितना दोगला के जन्मल हुई हैं उनके एको एक पर्दा में नहीं लौकेंगे। आकर बाद सब जाए लगल मेहरारू लोग जाए लगनी, उसके बाद पर्दा में देखें तो केहू के शिव भगवान लगो कैलेंडरवा जो ध्यानवा कल जाए वह न लौकी, केहू का हमें शिव जी लौकत केहू संतोषी बतावे। अब सबके फायदा होने लगा, इतने झंडा उंडा गाड़ दी हल मार भभूत मार पूजा होए लगल, भीड़ हो गई आठ दिन में। अब बिहना भर से उन्नेवध दी हल अपना कार्यक्रम, और राजा साहब कहला कि कहो कहले रही सात दिन में देखावे का आठ दिन में कहाँ है पता करा, तो गई उनके घरे पता कर तुहार मलकिन कहला वो तो गई है नहीं अरे वहीं महीना में आ तो हर जाल बनौले सधुआइन है। और उसके बाद सब जनता जाने लगे, राजा कहला कि हमनो लगन चलल जा, इतना जनता जात है सबके बिना फायदा के, इतना जनता पागल ही है। अब जैसे हमारी बात होती है तो कहते हैं पागल है सब आपक एक सत्य है। अब सारा जनता वहाँ, तो राजा कहला कि मंत्री आ हमनो चलल जा। अब संदेश दे गया कि राजा मंत्री भी आने वाले हैं, कहला आज कार्यक्रम गृहस्थ तो लोग का बन रहेगा, राजा आएंगे पहले वो दर्शन करेंगे, अब बढ़िया गांव वाले के राजू आवत हम कुछ जरूर देंगे। और राजा गई ने सधुआइन का गोड़ साष्टांग दंडवत किए, साष्टांग कहला जिया बच्चा खुश रहा। और भभूत बुद्धि हल कला पाए नहीं, कला जाए महाराज दर्शन करी अंदर एकदम सारा देवता एकदम तैनात। अब साहब अंदर राजा गए मंत्री या पहले पर्दा में ताकत हो कुछ ना, कहना दूसर के कहाँ से मन लोग राजा है नेता जरूर झूठ बोलल है, तो न पहले में तो दूसर के में तो जरूर है लौकी हैं। जब दूसर के में गए ना तो वहूँ ना आई, तीसर के में गए ना, चौथे के में जब सतमे में गए ना तब मंत्री या कहला कि हाँ अरे हमके तो बजरंग बली लौकन। और राजा कहते हुआ कि हमके तो ना आई लौकन, कह अरे ध्यान से देखी ना है क्या हमें एकदम साक्षात है क्या हमें साक्षात, कहला ना आई लौक तो कहला हाँ हाँ अब यह लौक धन्य हो भोलेनाथ धन्य हो भोलेनाथ धन्य हो भोलेनाथ। अब कहें दोनों जब निकल के आवे कहें कि ना आई देखली, तो इतना सत्संग सुने आए या जनता भी लग कहिए यह राजावा या यह मंत्री यह दोनों दोगला हमें, ये पूरा दुनिया जो है दर्शन किया यही दोनों नहीं किए हैं तो दोगला यही दोनों हैं। अब राजा तो कहला हम तो दर्शन किए नहीं मंत्रिया किए, तो राजा के जानो हमार माई गड़बड़ हो यही से हम नहीं किए हैं। अब उसके बाद राजा साहब अपने मन में सोचा, तो उसके बाद सधुवैनिया का 10-20 हज़ार दे करके गोड़ धरे कहे कि जौन कहिए तौन हम करवा दें मंदिर बनवाए, पर्दी पर्दा क्यों लगाई हैं
जो कहिए वो हम करवा दें। कहला अरे जब आपका कृपा है तो जरूर होगा। तो कहला ठीक है हम पैसा भेजवा देंगे। जब राजा साहब घर गए तो सोचने लगे, कहला दुनिया तर गई, दुनिया के शिव जी के प्रसादी में शंकर लौकत, मगर हम के जवन है नहीं लौके, मालूम के हमार माता जी खराब। आ तलवार पहटना कहला आज सवेरे जब माता जी अह ते ही से मुड़ी काटब कि दुनिया का कल्याण हुआ हम नहीं दर्शन की। तो लग माता जी नहा दो, मंत्रिया जान गए कि राजा कुछ करेंगे। अब मंत्रियों पीछे पीछे दुबुक के जात है, जब आगे माता जी जा रही हैं बिहान भर, और उसके बाद मंत्री जा रहा है दुबुक के, और जब रानी पहुँचलिन उनका माता जी राजा के, तब तो लगी तलवार तनल। कहला माता बताओ हमारा असली पिता के। आज जब तलवार तलन तब लग मंत्रिया हाथ पकड़ कहला अरे राजा साहब, राजा साहब ये क्या कर रहे। कहला ये मंत्रिया ते तो जरूर तोर कल्याण भय, ते साक्षात देखले हनुमान के। हम नहीं देखे हैं, हम नहीं देखे हैं, इसलिए झूठ वहाँ बोले हैं कि अब सारा लोग कहीं हैं कि दोगला है राजा, इसलिए। मगर मंत्रिया सही है कि हमारा माता आज बतावक हमारा असली पिता के, ये हमारे माता गड़बड़ है। राजा कहे कि ऐसा है महाराज जी, हम भी दर्शन नहीं किए, सारा लोग कह रहे थे तो हम भी कहे हैं, अगर नहीं कहते तो ये जनता जितनी ये सब कहेगी। अब ध्यान से ताकि की है दोनों दोगला, हम नहीं कहे मगर ध्यान से सब लोग ताकि, और इसी सब एक बार आवर हो गया। उसके बाद राजा साहब कहला महाराज मंत्री काला सरकार हम ना देखनी झूठ बोले। तो कहला कि गांव के लोग को बुलाइए। राजा कहे हम नहीं, मंत्री कहे राजा मंत्री इतना बढ़िया धर्मात्मा नहीं देखे तो ये अहिर गड़ेरी कोयरी कुहार ये का कहेंगे। कहला साहेब हम ना देखे। अब धीरे धीरे भेद खुले लगल, अब सब लोग कह रहे राजा साहब हम भी नहीं देखे। पूरा गांव का मन ही कह रहे ना साहब ये कुछ ढोंग कैले है, ये कुछ ढोंग कैले है। कहला राजा साहब मेहरारू के जाती है और सारा मेहरारू मूसर उठावे आ मूसर झाड़ू लेके चला, ओकर बाद हम आवत हैं। मेहरारून के मरद नहीं मार सकते हैं। अब सब मेहरारून के ललकारल गई कि बिहान तू आज झोंटा उखार के मारल जाए। अब तुरंत सारा मेहरारू और राजा साहब गए। कहला अब कुछ चमत्कार अब देखाओ। कहला बस घुघुट करल बार छोड़ के। कहला राजा साहब हम वहाँ हैं। घुघुट करल कहला महाराज हम वहाँ हैं जौन आपसे कहले यानी कि झूठे में बड़ा मजा। तो कह के सुनाई कि कह के देखाई, तो आप कहनी कह के देखाई तो साहब हम देखौली हैं। तुरंत 10,000 और पुरुषार्थ दिहलें। कहला यही के पखंड दुकान कहा जाता है। तो वही तरह शिव एक भक्ति बा कि उसमें शंकर जी साक्षात आकर के बैठ जा रहे हैं, प्रसादी में डमरू बन जा रहा है। मगर हम कह रहे हैं कि वह शंकर जी कहें दो चार गड्डी बक्सवा में नहीं फेंक रहे हैं कि SC ST OBC जितने हैं कि बहुत बड़े धनी बनी बन जा। अरे कभी नहीं बनेंगे। और बकरे की तरह जैसे बकरन के जब अखरा धा के बाल दिया जाता है, वही तरह हम लोग को वही अयोध्या में ये सब अखरा जव दे के बलवा दिए। अल्लाह राम न अल्लाह आए न राम आए, हम पखंड में फंसे हैं। हमको उस कबीर के राम को भजना है। कबीर के राम जो हैं वो सब में रमने वाले हैं। आ जितने अवतार बाद राम है, अवतारी वाले राम हैं, ये सब हम लोग के भेड़ बकरी के समान जबह करेंगे। केवल सुखल जव खिया के कि ढोंगा में भुलैबा तवले, देश में ठगैबा तवले, ढोंगा में भुलैबा जवले, देश में ठग अरे काटल जैबा जौ खा के अखारा, बखरा में मार ही मिले, अरे काटल जैबा जौ ज ज केहू दूसर तू त बनल जजमान बड़ा, ज ज केहू दूसर तू त बड़ा, देश में छलात पढ़ के पोथिया पुरान बड़ा, देश में छलात अरे झेलत बड़ा गुरु जी का नखाड़ा, बखरा में मार ही मिले, झेलत बड़ा गुरु जी का नखाड़ा। कहला जज केहू पाँच ले पढ़ के ऊ जज भइल बाटे, आई प्रोफेसर इंजीनियर साहेब होके
जजमान भय। आ जजमान का मतलब का होला भेड़ बकरी के समान अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब में मलाई बाबा काट रहे हैं, हम लोग के भेड़ बकरी के समान यूज कर रहे हैं और काट रहे हैं। तो कहला बुद्ध या कबीर के शरणवा में आवा हो, बुद्ध या कबीर के शरणवा में आवा हो, ज्ञान विज्ञान संविधान अपनावा हो, ज्ञान विज्ञान संविधान अपना। अरे सुंदर काहे बना बलि बकरा, बखरा में मार ही मिले, सुंदर काहे बना भेड़ी बकरा, बखरा में मार मिले। अरे सुंदर काहे बना भेड़ी बकरा, बखरा में मार ही मिले, सुंदर काहे बना भेड़ी बकरा, बखरा में मार। कहले गुरु के ज्ञान है ये नहीं, चेला मुने ढेर, आ गुरु हुई हैं गणेरिया, चेला हुई हैं भेड़। तो हम लोग जब तक तार्किक ज्ञान नहीं अपनाएंगे, वैज्ञानिक और संविधानिक ज्ञान नहीं अपनाएंगे, तब तक इसे अवतार बाद में हम लोग की बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, और ऐसा ही दुर्दशा होगी जैसे भेड़ और बकरी को जब रख करके माला पहिरा करके टीका लगा करके तलवार गिरा देते हैं, वही तरह से हम लोग को यह कोई पंथ का हो कोई मजहब का हो, हम नहीं कर रहे केवल हिंदू नहीं, ब्राह्मण नहीं, सिख ईसाई इस्लाम जितने पंथ वाले हैं सब आपका यूज कर रहे हैं। अरे 10,000 चेला बाणी, 1,000 देहनी तो 10,000 तुरंत आ गए। तो कहना गुरु जी अरेंडेड पहिर अवरो ब्रांडेड पहिन, हम हन का कपड़ा मच्छर नानी हे जी सुना तानी, हम हन का कपड़ा मच्छर दानी हे जी सुना तानी, हम हन का कपड़ा मच्छर तब बढ़ी आया गाड़ी हेलीकॉप्टर से चलतन, आ गाड़ी हेलीकॉप्टर मंचा से भाषण दे के बोरिया पैसा भरतन, से भाषण दे के बोरिया मंदिर में काटतन चानी ए जी सुनतनी, मंदिर में काटतन चानी नी, हमहन का कपड़ा बोरा हमहन का कपड़ा मच्छरदानी ए जी सुनतनी। त गुरु जी अरेंडेड पहिरा अवारो ब्रांडेड पहिरा, गुरु जी अरेंडेड पहिरा अवारो ब्रांड, हमहन का बोरा चट्टा तानी ए जी सुनतनी, हमहन का कपड़ा मच्छर ता एयर कंडीशन गाड़ी एयर कंडीशन मंच, कंडीशन गाड़ी एयर कन 5,00,000 रुपया लेके आवतर बड़का संत, 5,00,000 रुपया लेके आवत तब बोला भागवती का बानी ए जी सुना तानी, तब बोला भागवती का बानी एयर कंडीशन वाले एयर कंडीशन मंच वाले ये हम लोग को भेड़ी बकरी बना करके मलाई काट रहे हैं। तो हमारा यह कहना है कि अपने बच्चे को ज्ञानी और वैज्ञानिक तार्किक बनाइए, आप भी बनिए। हम नहीं कहते कि आप हमारे प्रवचन सुनिए यही सत्य है, आप हर एक इंसान का सुनिए, हर एक पंथ का हर एक मजहब का सुनिए, तब आपको उसमें ज्ञान मिलेगा। मगर कल्पना के ईश्वर में मत भरमिए, कल्पना के राम में, कल्पना के कृष्ण में, कल्पना के देवी देवता में मत भरमिए, जो वास्तविक स्वरूप में दिखाई दे रहा है उसको मानिए, उसी में आपका भलाई है। साक्षात यह देवियाँ जो पैदा करती हैं, साक्षात आप लोग ही सरस्वती हैं, आप लोग सावित्री हैं,
और आप ही लोग पालन करती हैं, साक्षात आप ही लोग लक्ष्मी हैं, और साक्षात नारिय के चलते महाभारत हो जाता है और रामायण हो जाता है, तो साक्षात काली हैं। और रावण के लिए सीता जी काली बन गई थी संहार करनी, तो साक्षात नारी कहते हैं कि सरस्वती हैं, सावित्री हैं, लक्ष्मी हैं, काली हैं। कि कितने लोग मारे गए जब यही विकराल रूप माताएं धरती हैं, तो साक्षात आप ही लोग लक्ष्मी दुर्गा काली हैं। मगर हम लोग नकली को बना करके पूज रहे हैं और असली का अपमान कर रहे हैं। तो असली जो हैं साक्षात आप लोग हैं। आप लोग अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा और संस्कार शाकाहारी बनाइए और ज्ञानी और वैज्ञानिक तार्किक ज्ञान लीजिए। तर्क पर जो उतरे उसे मानिए। अब न हो लायावतार कलम जुगावा में, अब न हो लायावतार कलम जुगावा, सुनिला धर्म कठिकेदार बतिया कैला ललकारी। अब न हो लायावतार कलम जुगावा में, अब न हो लायावतार कलम जुगावा में, अब न हो लायावतार कलम जुगावा में, सुनिला धर्मक ठीकेदार बतिया कैला ललकार। अब न हो लायावतार कलम जुगावा में, अब न हो लायावतार कलम जुगावा में। नाक से पैदा केहू मुँह से केहू के जन्मा दिहला, नाक से पैदा केहू मुँह से केहू के जन्म, मैं बाँह से पैदा केहू जांघ से पर से बतला दिला, बाँह से पैदा केहू जांघ से पर से, मैं से पैदा केहू गाय से बेदल बेदल लिखा दिला, मैल से पैदा केहू गाय से बेदल बेदल लिखा दिला, खीर खैले से कैसे बचाई है रामायण सचा, लेकिन गर्भ द्वार है दूसर कलम जुगावा में, लेकिन गर्भ द्वार है दूसर कलम, सुनिला धर्म कठिकेदार बतिया कैला ललकार। अब न हो लायावतार कलम जुगावा में, अब न हो लायावतार कलम जुगावा। कलम युग में जब से संविधान लागू है, कलम युग जब से शूद्र मेहरारू पहले मनुस्मृति में लिखल है कि नारी या शूद्र के पढ़ले का अधिकार ना आई। आप लोग के होश में नारीन के पढ़े ना देहल जात रहा, कहने नारी जब पढ़ी नहीं है तो अधर्म है, हिंदू धर्म बता वाला। तो नारीन के शूद्रन के पढ़ने का अधिकार जब से नारी या शूद्र पढ़े लगल हैं, तब से देवता लोग नाराज हो गए ना कि सूरज सब घूमे आवत रहल, सूरज चंद्रमा मंगल बृहस्पति सब घूमे आवत रहल धरती पर। अरे कुंती के लगे सूरज आवत रहल हैं, चंद्रमा या हिल्या के लगे आवत रहल हैं, ये मंगल ये सब लोग घूमे आवत है। जब से लोहार पढ़ई कोहरी कुहार जब से पढ़े लगल हैं, तब से देवता लोग नाराज हो गए, तब से एको घूमे ना आवत हैं। तो कहत हम नाक से पैदा, नाकी से ब्रह्मा जी जब छिंकल तब मनु शत्रुपा पैदा भैलें। आ जब मनु शत्रुपा पैदा भैलें तो कहना पिताजी का करे, कहना सृष्टि का रचना करा, तो वहीं से सृष्टि का रचना भय। ये साहब हम तो आज ले यह देखली बड़ा बड़ा मनई के जो खाम भैल बा, विश्वकर्मो जी के जो खाम भैल बा, तनि ओहरा छिनका तो देखी कैठ लैक्या आ कैठे देवता गिरत। मगर ये ऐसा ही पखंडी जो है ऐसा बना दिए हैं कि नेकुरा पोटा के अलावा हम कुछ और नहीं देखे। जब से संविधान लागू है नहीं तो ये सारा देवता इतना पैदा होते हैं कि आज मेहरारू लड़की जब अपने घर जाती हैं तो इतना मेकअप ओकअप पोतल जाला, तब वो हम जानते हैं कि घरे जाके चूड़ी आई मेकअप ओकअप छोड़ौले पर थे इतना नहीं करत, क्योंकि केहू के मईल मगर केहू के लड़के पैदा हुई हैं तो साहब एक किलो का डेढ़ किलो, क्योंकि पार्वती कितना दिन का नहैले रहन कितना दिन का छुपाइल रह कि साहब दू किलो का गणेश पैदा हुआ, अब एक को भी पैदा नहीं हो रहे हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी पाखंडवाद में बना दिए कि कुछ कहने वाली बात नहीं। तो नाक से पैदा केहू मुँह से
आ केहू के जन्मा दिल आ बाँह से पैदा बाँही से पैदा छतरी लोग जागी से बैस लोग आ पैर से शूद्र पैदा हो गए तो कहला कि मैल से पैदा केहू गाय से गौकरण पैदा हो गए वेद लेद लिखा दिए आ खीर खैले से खीर जब खाइल जाएगा तो गर्भाशय में जाए कि अमाशय में जाए तब के जमाना में गर्भाशय अमाशय का कनेक्शन एक रहा होगा अब वो कनेक्शन खत्म हो गए अब खीर खाई जाए भोजन कर जाए तो गर्भाशय में ना ही अमाशय में जाए गर्भाशय का रास्ता दूसर है तभी कुल कहते ना तब एक का कनेक्शन था अब इतनी बेर दूसर कनेक्शन हो गई है कहले कि खीर खाइले से कैसे बचाई है रामायण सच्चा है लेकिन गर्भ द्वार है दूसर कलम जुगावा में अब अवतार नहीं हो रहा है जब से संविधान लागू हुआ तो कहला कि हाथी का गर्दन कैसे मनई में फिट करा दिहला अब इतनी पातिर लड़का के आ इतना मोटहन ऐसा है हाथी के ये कैसे सेट भई कथा में ही कुल पूछे चाहे फखंडियन से कि साहब ये कैसे सेट हो गई तो हाथी का गर्दन कैसे मनई में सेट करा दिहला आ जन्मत लड़का से बाबा उगत सूरज लीलवा दिहला अब लड़का जन्म लिया आ तुरंत भूखा गया माता जी कहीं चली गई तो देखना सूर्य जी बस सूर्य के निकल गए आए आज पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य हैं और चंद्रयान थ्री चंद्र लोग गए हल 385 किलोमीटर चंद्रमा यहाँ से धरती से वहाँ तक है 385 किलोमीटर चंद्रमा है चंद्रयान थ्री आपका गया है अब उसके बाद सूर्य का कुछ गणना नहीं वहाँ जाने के बाद थोड़े दूर के जाने के बाद आप जर के भस्म हो जाएंगे राखी तक यहाँ पृथ्वी पर नहीं आएगी तो उनके सूरज के लीलवा दिए तो कहला कि हाथी का गर्दन कैसे मनई में फिट करा दिहला आ जन्मत लड़का से बाबा उगत सूरज लीलवा दिहला खेलत लड़का के मुँह में जियत कागा घुसवा दिहला आ वह लड़का के पेट में बाबा तीनों लोग दिखा दिहला 33 कोटि जहाँ रखवार कैसे देश गुलाम हमार 33 कोटि जहाँ रखवार कैसे देश गुलाम हमार आश्राप से कैला न संहार कलम जुगावा में श्राप से कैला न संहार कलम जुगावा में कहना 33 कोटि कहना हाथी का गर्दन कैसे लड़का में फिट होई आ खेलत लड़का जन्मत लड़का से सूरज को लीलवा दिए आ कहत हम वह लड़का के पेट में बाबा तीनों लोग दिखा दिहल आ वह लड़का के पेट में जियता कागा घुसवा दिहल ऐसे ऐसे हम जब निपड़ते तो एक कहानी लिखी जाती थी कि यही तरह अंगूरी रखवाते थे तो कहते कौआ उड़ चिड़ई उड़ कबूतर उड़ उसके बाद गाय उड़ तो जे गाय उड़ा देते के थोपिया बन जा आई बाबा सब उड़वा देते ना आज के थोपिया वाला नहीं है हमको तो हमारा ये कहना है साहब कि ऐसे ऐसे पखंड बना करके अवर विदेशी आए तो कटार लेकर के आए आई पखंडी कथा लेकर के आपके ऊपर कटार चला दिए तो कहत हम एक नारी अपहरण भइल लंका नगरी जलवा दिहला एक नारी अपहरण भइल लंका नगरी जलवा दिहला एक नारी का चीर हरण दूरे से चीर बढ़ा दिहला आज सैकड़ों रेप अपहरण वाला का सूर्य बिसरा दिहला आज सैकड़ों रेप अपहरण बलात्कार बेविचार ये साधु लोग मंदिर में कर रहे हैं एको बेर भगवान नहीं आए तो कहले एक नारी अपहरण भइल लंका नगरी जलवा दिहला सीता जी के अपहरण भइल तो लंका के संहार करवा दिहल द्रौपदी के जब चीर हरण भइल तो कृष्ण जी दूरे से चीर बढ़ा दिहल आज उसे करो रेप अपहरण अबला के सुध बिसरा दिहला नगन घुमावे मणिपुर में काहेन चक्र चला दिहला नगन घुमावे नारिन के काहेन चक्र चला दिहला जुलमा होला अपरम्पार कहवा गैला खम्हा फार
जुलम होला अपरंपार कहवा गैला खमा फार अपना होला अवतार कलम जुगावा में सुनिला धर्म कठी के दार बतिया कैला लाला कार अपना होला अवतार कलम जुगावा में कलम जुगावा में हो कलम जुगावा में हो कलम जुगावा में अपना होला अवतार कलम जुगावा में कहला एक नारी के अपहरण भेल त लंका के नाहस तहस हो गए द्रौपदी के चीर दूरे से बढ़ा दिए आज मणिपुर में जब नंगा घुमा रहे थे ई चंद्र प्रेम भूषण चंद्र दिल्ली के मंत्री है गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़की के साथ में अभद्र व्यवहार किया आज वह जेल में नहीं है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा बलात्कार में विचार किए एक बीर मुरली वाला ही भगवान जेके आप लोगन खूब भोग लगावत हैं बाके बिहारी के एक बीर वह पक आया नहीं न तब भी था न आज भी है न रहेगा। आप अपना इज्जत अपना मान सम्मान अपने नहीं बचाएंगे तो आपके गुरु पखंडी कोई आपको बचा नहीं सकता है। आप प्राकृतिक को मानिए ये सब कथा कहानी लिख करके आपको गुलाम बनाया गया। तो कहना जुलम होला अपरंपार कहवा गैला खम्हा फार आय अपना होला अवतार कलम जुगावा में पहलाद के लगे खम्हा फार के आ गए थे अब इतनी बेर एक भी नहीं आए। तो कहला कि पढ़ा कोयरी अही चमा देवता धरती छोड़ फरा पढ़ कोयरी अही चमार देवता धरती छोड़ फरा पढ़ विश्वकर्मा लोहा देवता धरती छोड़ फरार आ भैल संविधान सरकार ढोंगिया जेलिन के मझार जब से कोयरी कुहार लोहार बढ़ई पासी धोबी जब से पढ़ने लगे तब से ही तो देवता धरती छोड़ के तो फरारे हो गई हैं बाकी है अल्लाह राम पकड़ के ढठरियावल रहें आ पकड़ के ढठरियाया गया था संविधान कानून में वो तो फिर जोगी मोदी ले आके फिर बैठौल नहीं तो बहन वही में रहा होते तो संविधान का देन है कि अल्लाह राम दोनों छड़ने छूट के वो महजिदी में जाके बैठल हैं आ राम आके अयोध्या में बैठल हैं नहीं तो संविधान ना रह तो कितना ये बहन ये सब नाटक करता कुछ कहे वाली बात नहीं है। तो हमार का नाम है कि पढ़ा कोयरी अही चमार आ देवता धरती छोड़ फरार आ भैले संविधान सरकार ढोंगिया जेलिन के मझार इतना तना चेला रहें हैं ये पखंडियन के राम रहीम आशा राम बड़े बड़े जो हैं रामपाल इतने चेला थे अगर एक थे व्यक्ति अगर हवा उठा दे तो तुरंत चौराहा पर जलवा देते मगर ये अन्य डी अन्य जब चेक भैल है तो सब कानून के दयार में छेप हो गई न एक व्यक्ति कोई अंगुरी नहीं उठा सकता था इतना चेला थे मगर संविधान का देन है कि साला जेल इनके मझार सारे जेल में चले गए। तो पढ़ कोयरी अही चमार देवता धरती छोड़ फरार भैल संविधान सरकार ढोंगी जेल इनके मझार आ है सुंदर ढोंगियन के अधिकार कलम जुगावा में आ सुंदर ढोंगियन के अधिकार कलम जुगावा में अब ना होला अवतार कलम जुगावा में सुनिला धर्म के ठीकेदार बतिया कैला लाला कार्य नहीं होला अवतार कलम जुगावा में कलम जुगावा में हो कलम जुगावा में हो कलम जुगावा में अब नहीं होला अवतार कलम जुगावा में कहला अब अवतार बंद हो गया जब से अंबेडकर साहब संविधान बनाए और सारे देवता का नसबंदी कर दिए नाकी से आँखी से कीचड़ से काने से मैल से तो पैदा भैल बंद भैल है ना तो साहेब रोज रोज पैदा होते थे मगर अब साहेब नाकी से ना पैदा होला खीरी से ना पैदा होला काने से ना पैदा होत हम मछरी से ना पैदा होत हम गाय से ना पैदा होत हम अब ये जब से ये दसबंदी किया है अंबेडकर साहब ने तब से ये देवता होता पैदा भइल बंद भइल ना तो कितना पैदा होते आ जब से ये लोहार बढ़ई कोर्मी कुहार धोबी धरका जब से पढ़े लगल शिक्षित हो गए तब से ये देवता पैदा भइल बंद भइल मगर अब
यह पखंडी नया नया रूप धर करके अपना दुकान खोल दिए और सारे दर्शन करा रहे हैं, सतलोक का दर्शन करा रहे हैं। सतलोक, अब बताइए सतलोक कहाँ है? कहीं सतलोक उतलोक नहीं है। चंद्रयान थ्री गया था, कहीं नहीं खोजा कि कहाँ इन्हन का परेश है, कहाँ कुरान का परेश है, कहाँ ब्रह्मा बैठ के तकदीर लिखत हमें, यह सब कहीं पता नहीं है। तो जितना ही आप लोग शिक्षित होंगे उतना ही हमारा देश का कल्याण होगा। आज इतना ही पाखंड अंधविश्वास में जाएंगे, आप बर्बाद होंगे। और जैसे भेड़ बकरी को जबह किया जाता है जौ खिया के अखरा, वैसा बखरा में खाली मार मिली, आपका कल्याण कहीं होने वाला नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।